हेलो एवरीबॉडी, आप को क्लास 12 की जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है। उसमें आपको बताने वाला हूँ रिडॉक्स रिएक्शन एंड हॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, डॉक्सीडेशन पहले तो आता था, मैंने आप लोग को बताया कि डॉक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन गो है इनहैंड, मतलब गो है इनहैंड का मतलब जहां एक तरफ अगर ऑक्सीडेशन चल रहा है सेल में तो दूसरी तरफ रिडक्शन भी चल रहा है। सच रिएक्शन इन भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी दोनों ये रिएक्शन साथ साथ चल रहे हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें बच्चों क्या है कि हम एक सेल में, अगर हम इस तरह का सेल लें और इस सेल में जहां एक तरफ हमने जिंक इलेक्ट्रोड डाल दिया और एक तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया और इसको किसी बैटरी से ला करके हमने जोड़ लिया, तो इस बैटरी से जोड़ने के बाद ये जिंक इलेक्ट्रोड है और आपका ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो यहां पर होता क्या है, अगर इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर आपने भरा है एक्वस में CuSO4, तो एक तरफ इसमें होता क्या है कि यहां पर ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो यहां पर ये क्या होता है कि कॉपर जिंक को जब कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में ले जाते हैं तो ये ZnSO4 और Cu सॉलिड बनता है। अब इसका रिएक्शन होता कैसा है कि इसमें क्या होता है कि यहां से आपका कॉपर सल्फेट का दो हिस्सा बनता है Cu+SO4-, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल निकल करके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन Zn पर से निकल के Zn+2 बनाएगा। तो यहां पर ये क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन यहां से ये गेन करता है और दो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कहां पर पहुंचेगा, कॉपर पर। तो यहां पर ये क्या होता है कि रिएक्शन में Zn ने दो इलेक्ट्रॉन को निकाला, ये तो पहले अपने कॉपर आयन में जुटेगा, जिंक जब दो इलेक्ट्रॉन को अपना क्या कर देता है, रिलीज करता है, तो यही दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर, ये कॉपर मेटल बनाता है और ये जाकर के ये कॉपर इस पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। जिंक इसमें आयन के रूप में फॉर्मेशन का रूप लेता है, यानी ये जो कि आयन में जाता है इसके अंदर, और यहां पर ये जिंक सल्फेट सल्फेट आयन से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाता है, ये एक्वा सॉल्यूशन में रहता है उसी समय। तो अब उस समय दो भाग में आपको रिएक्शन दिखाता हूं, ऑक्सीडेशन का केस इसमें होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है, यहां पर रिडक्शन होता है। तो जिस समय ऑक्सीडेशन होगा उसी समय ये रिडक्शन भी होता है, तो ऑक्सीडेशन में दो इलेक्ट्रॉन निकालता है Zn+2 बनता है, ये एक हाफ सेल रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन के समय कॉपर ने वही दो इलेक्ट्रॉन ले करके और ये कॉपर मेटल बना लिया, ये सॉलिड के रूप में हुआ, ये एक्वस में गया, तो ये जाकर के कॉपर सॉलिड इसके रूप में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली, एक हाफ सेल रिएक्शन, एक हाफ सेल रिएक्शन, ये यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, यानी दो इलेक्ट्रॉन हाफ सेल में ये निकालता, दो इलेक्ट्रॉन ये गेन करता हाफ सेल रिएक्शन में, ये दोनों मिलकर के जब दोनों का सम निकालते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कट करके Zn+2 एक्वस और Zn+2 Cu+S बनाता है, जिसको हम टोटली बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे भी हम इस रिएक्शन को और भी आगे इस थोड़ा सा वास्ट करने वाले हैं, लेकिन इस रिएक्शन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जब सेल पढ़ेंगे तो सेल में यही कहानी आपके काम आएगी। तो इस वीडियो को बहुत ढंग से वॉच कीजिए और इसको ठीक समझ लीजिए, बाकी आगे के लेक्चर में आपको बताया जाएगा। आप देखिए, थैंक यू।